alaikum everyone. How are you? Hope so. You all are doing well. I am from the Lahore Garrison School. Dear students, I am your English literature teacher, Mrs. Mahan. Today is 20th December two thousand twenty-one, and day is Monday. And our chapter name is Nature is beautiful. What is our chapter name? Nature is beautiful. What is the spell of nature? एन ए टी यू आर ई नेचर इज़ ब्यूटी बी ई ए ब्यूटी एफ यू एल फुल क्या बना ब्यूटीफुल और चैप्टर नेम इज़ नेचर इज ब्यूटीफुल ओके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ड्स वर्ड लर्न डिस्कस किए थे नेचर इज़ ब्यूटीफुल के ओके okay, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना साइड वर्ड्स आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अपने साइड वर्ड्स आप सबको शो हो रहे होंगे साइट वर्ड्स What is the spell of sight? S -I -G -H -T, S-I-G-H-T. kavana site W-O-R-D-S words. Sight words. Okay. Let's move to the definition of the sight words. Okay. Sight words are common C O W M O N common words. W-O R D S words. That T H E T, -E -T that. K-I-D S kids. R E C O G RECOG N I Z D -E N I is recognize I N A N T L Y instantly without W I T H with O U T out without S O U N D sound I N G ING sounding T H E M them sounding them out O U T out okay sight words are common words that kids recognize instantly without sounding them out ओके okay. हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि साइड वर्ड्स क्या होते हैं अब हम एक दफ़ा और पढ़ने जा रहे हैं कि साइड वर्ड्स क्या होते हैं आप सबको पता है साइड वर्ड्स क्या होते हैं साइड वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम देखते ही फ़ौर से हमारे जहन में हमारे माइंड में उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है कि वो किस तरह बोला जाता है ठीक है साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है एंड हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है एंड ठीक है ए एन डी एंड जब भी हम एंड uh, को देखते हैं ठीक है तो हमारे माइंड में एकदम से मैसेज आते हैं ओ ये तो एंड वर्ड है हमें इसके स्पेल भी uh, पढ़ने की uh, ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं साइड वर्ड्स नेक्स्ट हमारे पास है ओफ क्या है हमारे पास ऑफ हमें इनके स्पेल रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमने पढ़ा हमने देखा कहीं राइट हुआ वै ऑफ हमारे माइंड में एकदम से एकदम से आया कि ये वर्ड ऑफ है नेक्स्ट हम... हमारे पास है इट ठीक है ये भी हमें इसके स्पेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें पता चल गया ये वर्ड क्या है इट है ठीक है एस ओ एक ऐसा वर्ड है जिसको देखते ही हमारे माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि ये अच्छा ये वो वाला वर्ड है ठीक है हमें इसके स्पेल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट हमारे पास है एफ आई एफ एफ ये भी क्या है एक साइड वर्ड है नेक्स्ट हमारे पास है फोर एफ ओ आर फोर ये भी क्या है हमारे पास एक साइड वर्ड है हम इस क्लास ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनको फ़ौरन से देखते ही हमारे माइंड में फ़ौरन से एकदम से आता है ओ दिस इज़ द दिस इज़ दैट वर्ड कि ये वो वाला वर्ड होगा तो वो हमारे पास क्या होते हैं साइड वर्ड्स होते हैं अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट मूव टू आर एक्टिविटी Uh, हमारी जो एक्टिविटी है वो ये है आप सब ने अपना पेज नंबर ट्वेंटी टू ओपन करना है क्लास ओपन यू वर्क बुक्स पेज नंबर ट्वेंटी टू ओके फर्स्ट हमारे पास है रीड एंड राइट आर ए डी रीड एंड डब्ल्यू आर आई टी ई दी जी आई वी एन गिवन एस आई जी एच टी साइट डब्ल्यू आर डी एस वर्ड्स आई एन एन टी एच ई दा एस एच ए पी ई शेप बॉक्सेस बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस दैट फिक्स एफ आई एक्स फिक्स इट ठीक है रीड एंड रीड एंड रिवन साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्सिस दैट फिक्सड इट एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ओ आर के वर्क क्या है हमारे पास फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू ओ आर के वर्क नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टी आर वाई ट्राई क्या है हमारे पास वर्ड टी आर वाई ट्राई नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जी आई वी ई गिव ओके नेक्स्ट वर्ड टी ओ टू डी ए वाई डे टू डे एफ एल वाई फ्लाई टी ई डबल एल टेल एम यू सी एच मच के डबल ई बी कीप ओके हमने इन वर्ड्स को इन बॉक्सेस में ऐसे राइट करना है कि ये बिल्कुल फिक्स आते हों उनकी फॉर्मेशन उस बॉक्स के अकॉर्डिंग होगी ओके फर्स्ट वर्ड देखें हमारे पास है वर्क क्या है हमारे पास फर्स्ट वर्ड वर्क डब्ल्यू ओ आर के क्या बना वर्ग अब डब फर्स्ट वाला बॉक्स देखें उसके अंदर कितने वर्ड लेटर्स की स्पेस है वन टू थ्री फोर ठीक है कितने लेटर्स की स्पेस है फोर इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ फोर लेटर वाला वर्ड्स राइट हो सकता है ओके okay? हमारे पास कितने लेटर वाला वर्ड्स राइट होगा फोर वाला ओके फर्स्ट वर्ड देखें कितने लेटर्स वाला वन टू थ्री फोर ये फोर लेटर्स वाला है अब हम चेक करेंगे इसकी फॉर्मेशन जो है वो इस इस बॉक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ओके okay? डब्ल्यू की फॉर्मेशन हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड लाइन को टच करते हुए बनती है ऐसा ही है तो क्या अब हमारे पास डब्ल्यू यहाँ आ सकता है नो no, क्योंकि ये वर्ड जो है थर्ड एंड फोर्थ लाइन के उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स बना हुआ है तो हमारे पास डब्ल्यू बिल्कुल भी नहीं आ सकता है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्राई ट्राई के कितने लेटर्स हैं थ्री ये तो आ ही नहीं सकता नेक्स्ट वर्ड है हमारा है गिव जी आई वी ई गिव इसके भी फोर लेटर्स हैं तो हम चेक करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ओके नंबर वन हमारा है जी जी हम अब हम सोचेंगे जी कौन सी लाइन से स्टार्ट होता है ठीक है फॉर्मेशन क्या है जी की जी हमारे पास स्टार्ट होता है सेकंड एंड थर्ड लाइन को टच करते हुए हम उसका राउंड बनाते हैं देन हम उसको नीचे लाकर और फिर उसका uh, जो लूप है वो बनाते हैं ऐसा ही है तो क्या ये जी के फॉर्मेशन इस बॉक्स की फॉर्मेशन जो है वो जी के अकॉर्डिंग बन रही है येस जी राइट करेंगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो बाकी वर्ड्स हैं उसकी फॉर्मेशन जो इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग है यस yes, आई भी हमारा सेकंड एंड थर्ड लाइन के सेंटर में बनता है देन हमारा वी भी ऐसे ही राइट right होता है देन हमारा ई e भी ऐसे ही राइट right होता है इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है वो क्लियर हो गया ओके okay? अब नेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं कितने लेटर्स आएंगे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव कितने लेटर्स का ये बॉक्स है फाइव लेटर का बॉक्स है अब हमने इन सब में देखना है कि फाइव लेटर वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं ओके okay? अब हम काउंट करते हैं ये भी फोर का है ये थ्री का है ये भी फोर लेटर्स का है ओ वन टू थ्री फोर फाइव कितने लेटर्स आ गए इसमें फ़ाइव लेटर्स आ गए अब बाकी भी देख लें कोई फाइव लेटर्स वाला है नो no. तो इसका मतलब इसकी जो फॉर्मेशन है वो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही है ठीक है हम फर्स्ट वर्ड हमारा है टी नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओ फिर डी फिर ए फिर वाई हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया करते हैं नेक्स्ट ठीक है बाकी बॉक्सेस भी अब हमने फिल करने हैं ठीक है ओके okay. नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है कितने वर्ड्स का है हमारे पास फ़ोर ठीक है वन टू थ्री फोर फोर लेटर्स का ये क्या है हमारे पास बॉक्स है अब हम काउंट करेंगे ऊपर जो फर्स्ट वर्ड है हमारा डब्ल्यू ओ आर के वर्क ठीक है डब्ल्यू की फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से होती है इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन के मिड में हम डब्ल्यू भी राइट करते हैं देन हम ओ uh, जो हमारे पास ओ होता है हम वो भी वहीं से राइट करते हैं देन हमारा आर जो होता है वो भी वहीं से होता है एंड देन हमारा के ओके okay? तो हम हमारा जो थर्ड वर्ड हुआ वो क्या हुआ वर्क डब्ल्यू आर के वर्क ओके नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बॉक्स की तरफ इसमें कितने वर्ड्स की स्पेस है वन टू थ्री फोर कितने वर्ड्स की स्पेस है फोर की अब हम देखेंगे फोर जो लेटर्स वाले हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं ओके अब हमारे पास वर्क भी हो गया हमारा गिव भी हो गया हमारा टुडे भी हो गया ओके okay? अब हमारे पास है ट्राई फ्लाई टेल कीप एंड मच try में कितने हैं 3 3 आ ही नहीं सकता fly में कितने हैं 3 वर्ड्स लेटर्स हैं थ्री भी fly भी नहीं आ सकते नेक्स्ट हमारे पास है tell t e डबल n tell तो अब हम यहाँ tell राइट कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ तो जस्ट एक टू लाइंस ही तो उसका है t हमारा जबकि 3 लाइंस में बनता है ऐसे ही है दी फॉर्मेशन हमारी 3 लाइंस ही होती है तो हम क्या करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है हमारे पास जस्ट टू लाइंस वाली फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है ओके नेक्स्ट हमारे पास है मच एम यू सी एच मच अब हम सोचेंगे क्या मच की फॉर्मेशन ऐसी है यस yes. एम जो है हमारे पास जस्ट टू लाइंस का होता है देन जो यू की फॉर्मेशन है वो भी टू लाइंस में होती है सी बी एसी है एंड द लास्ट वर्ड जो हमारे पास एच है उसकी फॉर्मेशन हमारी थर्ड लाइन लाएं, फर्स्ट लाइन से होती हुई फिर थर्ड लाइन तक आती है तो क्या हमारी ये फॉर्मेशन ठीक हुई यस yes, हमारा मच भी हो गया नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बॉक्स की तरफ ठीक है नेक्स्ट बॉक्स हमारा है कितने वर्ड्स का वन टू थ्री कितने वर्ड्स हुए हमारे टोटल थ्री वर्ड्स हुए अब हमने देखने थ्री वर्ड्स वाले कौन कौन से हैं वन वन टू थ्री एंड वन टू थ्री जस्ट हमारे पास ये टू हैं टू वर्ड्स हमारे थ्री थ्री लेटर्स के हैं ऐसा ही है ओके okay, अब हम देखेंगे हमारा एफ आ सकता है बिल्कुल फिट आ सकता है एफ़ देखेंगे हमारा जो एल है वो आ सकता है नो no. एल की फॉर्मेशन तो हमारी फर्स्ट uh, लाइन से होती हुई थ्री लाइन्स में आती है एल की फॉर्मेशन हमारी कितनी लाइन्स की होती है थ्री लाइन्स की तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट टू लाइंस की टू uh, लाइंस वाला वर्ड आना है तो फ्लाई हो गया कैंसिल नेक्स्ट अब हमारे पास जस्ट एक ही रह गया तो हम हमारे पास क्या है वो वर्ड ट्राई अब हम क्या करेंगे ट्राई यहाँ राइट कर देंगे ओके नेक्स्ट अब हमारे पास कितने बॉक्स वर्ड लेटर्स वाला बॉक्स है वन टू थ्री फोर फोर लेटर्स वाला है अब हम काउंट करेंगे हमारा वर्क भी हो गया ट्राई भी हो गया वर्क भी हो गया ट्राई भी हो गया गिव भी हो गया टुडे भी हो गया हमारे पास फ्लाई रहता है एंड हमारे पास कीप रहता है मच भी हो गया हमारा ओके okay? अब हम मूव करेंगे अपने टेल की तरफ टेल फ्लाई एंड कीप जस्ट ये थ्री वर्ड्स हमारे पास रह गए फ्लाई टेल कीप ओके फ्लाई यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि थ्री लेटर्स वाला वर्ड है नेक्स्ट मूव करेंगे हम टेल पर ओके okay, अब हम देखेंगे टेल जो है हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है टी टी हमारे टी की फॉर्मेशन हमारी कितनी लाइंस की होती है थ्री लाइंस की होती है तो अब हम क्या और राइट करेंगे पहले थ्री देखेंगे टी राइट करेंगे यहाँ पर टी आ गया नेक्स्ट हमारा ई कितने लाइंस का होता है टू लाइंस का हमने ई राइट किया हमारा ई भी आ गया एल नेक्स्ट हमारे पास क्या है डबल एल अब हम देखेंगे डबल एल जो हमारी डबल एल की फॉर्मेशन है वो भी थ्री लाइन्स की होती है क्या वो आ रहे हैं फिट बिल्कुल पूरे Osionfish. जी बिल्कुल आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा ये वाला बॉक्स भी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है टेल की फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अब हमारे पास जस्ट टू वर्ड्स रह गए हैं ठीक है थीकै? हमारे पास कितने वर्ड्स रह गए हैं टू वर्ड्स नंबर जो हमारा बॉक्स है थ्री वाला बॉक्स है मतलब थ्री लेटर्स वाला बॉक्स है तो हम क्या करेंगे देखेंगे थ्री लेटर्स वाला कौन सा था फ्लाई एफ एल वाई फ्लाई थ्री लेटर्स वाला तो हम सिंपली क्या कर देंगे फ्लाई जो है वो यहाँ राइट कर देंगे ओके ओके okay, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट बॉक्स की तरफ हमारा लास्ट बॉक्स क्या है कितने वर्ड्स है वन टू थ्री फोर कितने वर्ड्स का बॉक्स है हमारा फोर वर्ड्स का हमारे पास जस्ट एक वर्ड बचा है वो है कीप तो अब हम क्या करेंगे की यहां uh, right के की फॉर्मेशन यहाँ आएगी वो थ्री लाइंस में राइट होता है के देन हमारी जो ई e की फॉर्मेशन है वो टू लाइन्स की होती है वो हमने डबल ई राइट किया एंड द लास्ट हमारी पी की फॉर्मेशन क्या होती है लास्ट वाली थ्री लाइन्स होती है टॉप ऑफ द टॉप थ्री लाइन्स से नहीं होती लास्ट वाली थ्री लाइन्स होती हैं तो हमने क्या देखा हमारे जो वर्ड्स हैं हमने उनको जो हमारे साइड वर्ड्स हमें गिवन थे हमने उनको क्या किया उन बॉक्स में क्या किया फ़िट किया ओप्सो आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा आप सब ने जो वर्क करना है वो बिल्कुल नीट राइटिंग में करना है वर्ड्स को अच्छी तरह लर्न करना है वर्ड्स के स्पेल अच्छी तरह देखने ओके और साइड वर्ड्स का कंसेप्ट आप सबको समझ आ गया होगा अल्लाह हाफिज़